इस समय हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के सरकारी बस स्टैंड डिपो में। तस्वीर देखिए, इस समय हम सरकारी बस स्टैंड में हैं। तस्वीर देखिए, सरकार जो है, बिहार सरकार जो यात्री हैं उनसे किराया तो पूरा वसूलती है, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बस में, लंबी दूरी सफर करते हैं, चाहे आरा से पटना की दूरी हो, सासाराम की दूरी हो, बक्सर या फिर छपरा तक की दूरी हो, वो इसी खटारे बस में सफर करते हैं। और यहाँ पर सीटें देखिए किस तरह से है, यहाँ पे लोग किस तरह से इतनी लंबी दूरी तय करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से जो बस है वो जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे जो सेफ्टी का बात किया जाए, जो फायर सेफ्टी होता है, फायर सेफ्टी का भी इंतजाम नहीं है। सरकारी जब बस में फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है तो समझ सकते हैं कि जो अन्य निजी वाहन है उसमें फायर सेफ्टी का क्या इंतजाम होगा, ये कहना मुश्किल नहीं। परेशानी तो होता है, डर लगता है। हाँ हाँ डर लगता है, पूरा भवन जर्जर है। हाँ पूरा भवन जर्जर है। आपने विभाग को कभी इसकी? हाँ इसकी सूचना दे दी गई है, और नया निर्माण के लिए जो है वहाँ से कार्य चल रहा है। जब नया निर्माण का स्वीकृति मिलेगा तो इसमें जो है भी नए सिरा से काम होगा। बसें भी काफी जर्जर है, अग्निशमन यंत्र भी नहीं है, सीट भी जर्जर है। नया बस के लिए भी आरएम को लिखा गया है। आरएम कहे हैं कि जब जो है प्रशासक यहाँ से हमको मिलेगा तो हम उसी में से आपको भी देंगे। शौचालय की व्यवस्था नहीं है सर, यात्री कहाँ जाते होंगे शौचालय की? हाँ शौचालय भी नहीं है, शौचालय था वो जो है खराब हो गया है, और यात्री जो है बगल में रेलवे का है वहीं जाते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं शौचालय के लिए? हम लोग वही रेलवे स्टेशन के बगल में जाते हैं। और साथ एक कर्मी भी है यहाँ पे हैं, उनसे हम जान लेते हैं बस में सुविधाओं का अभाव दिख रहा है, क्या क्या सुविधाएं नहीं है यात्रियों को मिलती है? देखिए आप तो अभी तो नई व्यवस्था है, पूरा शाहबाद के डिपो अभी आ रहा है, जो अभी डिपो आरा में है, सासारा में नहीं है, अभी यहाँ आरा में है। यहाँ पर हर जिला में गाड़ी जाती है, गाड़ी यहाँ से जाती है आरा सासाराम डिहरी नोहाटा आरा छपरा बक्सर कोचस भी जाती है। अब हम चाहते हैं गाड़ी पुराना होगी, नया मांग किया जाए, यात्री का सुलभ व्यवस्था हो जाए। विभाग से कभी इस बारे में बात हुई है? विभाग से व्यवस्था हुई है, गाड़ी आने वाली है, सूचना आता है गाड़ी मिलेगी। यार ये बस में अग्निशामक यंत्र भी नहीं लगा हुआ है? इस देखिए नहीं लगा है, पुराना गाड़ी हो चुकी है, पहले नया में आई थी तो गाड़ी अग्निवीर लगाया था इसमें, अब नहीं है। अब नहीं है, अब पुराना हो गया गाड़ी, यहाँ वहाँ गई, अब नया गाड़ी जैसा। कितनी बसें हैं अभी? अभी मेरे पास 8 गाड़ी है। 8 गाड़ी? हाँ। कहाँ कहाँ जाती है गाड़ी? जाती है वो आरा सासाराम आरा छपरा आरा बक्सर आरा डेरी नोहाटा तिलकपुर जाती है। अगर बस खराब हो जाता होगा तो उसकी मरम्मत कहाँ होती है? ये जो होती है डिपो में होता है। डिपो में सुविधाएं हैं? डिपो में सुविधा है, होती है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र शाह। देखिए ये वीरेंद्र शाह ये बता रहे थे कि जो वस्तु स्थिति है बिल्कुल भयावह है, बस है पूरी तरह से जर्जर है, 8 बस है, लेकिन कहने को है कि 8 बसें हैं लेकिन सभी बसें जो है पूरी तरह से जर्जर है। यात्री इन्हीं बसों में होकर के अपने जो गंतव्य स्थान पर है जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो भवन है जहाँ पे जो डिपो सुपरिटेंडेंट रहते हैं, जो कर्मी रहते हैं, वो भी भवन काफी जर्जर हो चुका है। ऐसे में कर्मियों को डर सता रहा है कि वो भवन कभी भी गिर सकता है, कभी भी हादसा हो जाता है, बावजूद
और इसके जो विभाग है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि विभाग जो है उसकी जो कुंभकर्णीय नींद सोई विभाग है उसकी नींद कब खुलती है और कब एक नया भवन का निर्माण हो पाता है। आलोक कुमार, भारतीय न्यूज 18, भोजपुर।